सैम चलुद्री के द्वारा चलाए जा रहे फुल गॉस्पल बाइबल कॉलेज में सेवकाई के प्रशिक्षण के लिए एडमिशन्स अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। यहां छात्रों की आत्मिक उन्नति के लिए पुस्तकालय में 3500 से ज्यादा पुस्तकें आपकी उन्नति के लिए उपलब्ध हैं। कक्षाएं अंग्रेजी में लिए जाएंगे और वैकल्पिक अनुवाद हिंदी, तेलुगु और तमिल में हेडफोन के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध होंगे। स्थानीय छात्र डे स्कॉलर के रूप में यहां पढ़ाई कर सकते हैं और भारत के विभिन्न राज्यों से आने वाले छात्रों और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सिर्फ पुरुषों के लिए हॉस्टल की सुविधा यहां मुफ्त में उपलब्ध है। कक्षाएं 13 जून 2016 से प्रारंभ होने वाले हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए तुरंत हमें संपर्क करें। हमारा पता है फुल गॉस्पल बाइबल कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 494, चेन्नई 7। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबरों पर हमें संपर्क करें। आप में कुछ इच्छाएं होनी चाहिए। आप उन इच्छाओं को कहते जाएं, उन इच्छाओं पर विश्वास करें, आप उन्हें अपना सपना बनाएं और प्रभु की मदद ढूंढें कि उन्हें आप पूरा करते चले जाएं। प्रार्थना उसके लिए उपयोग होती है। जब कोई इच्छाओं से भरा होता है उसी समय उसकी प्रार्थनाएं प्रभावी होती है, तभी आप परिणाम देखने लगते हैं। यानी इच्छाएं कोई बुरी बात नहीं है, इच्छाएं तो परमेश्वर से है। आपको कैसे लगेगा अगर आपका बच्चा आकर कहे, देखिए कुछ विश्वासी कहते हैं, जानते हैं भाई मुझमें कोई भी इच्छा नहीं है, अच्छे कपड़ों की इच्छा नहीं है, अच्छे भोजन के लिए इच्छा नहीं है, मेरे पास अच्छे घर की इच्छा नहीं है, मेरे पास अच्छी नौकरी की इच्छा नहीं है, इस संसार में किसी बात के लिए कोई इच्छा नहीं है। बहुत आत्मिक सुनाई देता है, मुझमें कोई इच्छा नहीं है, कॉलेज में जाने की कोई इच्छा नहीं, बड़ी नौकरी के लिए मेरे पास कोई भी इच्छा नहीं है, बड़ी तनख्वाह की ऐसी कोई भी इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं है। अगर आपका बच्चा आकर आपसे ये कहता है तो आप उसे एक देंगे, सिर पर एक देंगे कि दिमाग साफ कर दे, क्योंकि इस बच्चे में कुछ गंभीर गलत हुआ है। जो पढ़ना नहीं चाहता, कॉलेज नहीं जाना चाहता और कुछ नहीं करना चाहता कि वो खुद की उन्नति करते चले जाए, कुछ तो भी गलत है, उसे कुछ करना है। जब वो कहता है मुझमें कोई इच्छा नहीं, मैं कुछ नहीं ढूंढता हूं और मैं बस ये पवित्र पवित्र व्यक्ति बनता हूं, मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा हूं, मैं शांति से जीना चाहता हूं, और बहुत ही जल्दी आप अपनी शांति खो देंगे जब खाने के लिए कुछ नहीं होगा। आप उसे सहमति नहीं देंगे, लेकिन चर्च में इस तरह के रवैये को हमने सहमति दी है और ऐसे लोगों को रखा जो कहते हैं हम में कोई इच्छा नहीं है, और वही सबसे ज्यादा आत्मिक विश्वासी हैं, वही है जो प्रचार कर रहे हैं, गवाही देते हैं, साक्षी देते हैं, सड़कों पर प्रचार करते हैं, पता नहीं वो क्या प्रचार करते हैं, कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने संसार का इनकार किया है, सारी चीजों का इनकार किया है, अपनी नौकरी छोड़ दी, और कुछ लोगों ने तो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सच है, उन्होंने सबका इनकार किया। और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं भाई आपने किसका इनकार किया, देखिए उन्होंने किसका इनकार किया है। मैं उनसे कहता हूं मुझे किसी का इनकार करने की जरूरत नहीं, मैं जिसका इनकार करता हूं वो कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी यीशु ने इनकार किया उसके सामने, जब उसने स्वर्ग में अपने सिंहासन का इनकार किया और वो सारी महिमा को छोड़कर आया, उसने महिमा को छोड़ दिया और पृथ्वी पर आया मनुष्य के रूप में, वो यहां पर आया और बिल्कुल हमारे जैसे एक हो गया और क्रूस पर वो मरा, उसने सबका इनकार किया इसलिए कि मुझे किसी का इनकार करना न पड़े, मैं सब कुछ पा सकता हूं, मैं सब कुछ पा सकता हूं। यही तो मुख्य बात है परमेश्वर की महिमा के लिए। यानी यहां पर इनकार करने का काम, सबका उन्होंने इनकार किया, कुछ नहीं चाहिए। अगर आपका बच्चा ये कहे तो आप दुखी होगे, आप उसे दिमाग के डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, आप उसे सलाह के लिए लेकर जाएंगे और ये सब। लेकिन अगर चर्च में इस तरह से कोई कहता है तो आप कहते हैं प्रभु की स्तुति भाई, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही हूं, जानते हैं हम एक जैसे ही विश्वासी हैं, जानते हैं हम सैम चलुद्री के जैसे नहीं हैं, हम तो पवित्र 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 विश्वासी हैं। लेकिन इच्छा तो परमेश्वर ने ही दी है, ये परमेश्वर है जो हमें इच्छा देता है, ये इच्छा और काम, यानी ये इच्छा के लिए काम करना, ये परमेश्वर से आती है। देखिए जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, मुझे याद है यहां ताम्बरम में मैं कॉलेज में जाता था बिना किसी उद्देश्य के साथ, क्योंकि उन दिनों में कॉलेज से ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते थे, मतलब कॉलेज से ज्यादा नहीं लेकिन कॉलेज के बाद में ज्यादा नहीं। आपको ऐसी नौकरी दी जाती थी जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता था, तो बस हम जाते थे, मैं इसलिए जाता था, नहीं तो फिर सभी लोग मुझ पर हंसते थे। किसी तरह की डिग्री तो मुझे लेनी ही थी,
मेरे पिताजी शर्मिंदा होते, मेरी माँ शर्मिंदा होती, सब लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता, इसलिए मैं कॉलेज जाता। और पढ़ाई करना तो कोई मुश्किल बात नहीं, जानते हैं, मैं तो परीक्षा के बस एक दिन पहले उस किताब को उठाता था। मूर मार्केट में मेरे एक दोस्त थे जो मुझे जरूरी किताबें देते, बस एक दिन पहले, और बस जल्दी से उस किताब को पढ़ ले और हर तरह की कहानी लिखें और कुछ न कुछ मार्क्स ले लें और जैसे तैसे पास हो जाएं। पासिंग कोई समस्या नहीं थी, वो भी मुद्दा था क्योंकि सब हंसते थे, तो फेल नहीं होना चाहिए था, पास होना था। मैं पास हो जाता, मैं रात भर पढ़ाई करके परीक्षा में पास हो जाता। लेकिन कोई प्रेरणा नहीं थी, मेरी कोई इच्छा नहीं थी, मुझे कुछ चाहिए नहीं था, मैंने नहीं सोचा कि कोई मुझे कुछ देगा, मुझे पता नहीं था मैं क्या करूंगा, मैं आशाहीन था, मैंने सोचा कोई भविष्य नहीं, कहीं भी कुछ नहीं। लेकिन जब मैं यीशु मसीह के पास में आया, उसने मुझे भर दिया स्वर्ग की इच्छाओं के साथ में। बड़ी इच्छाएं, ऊंची इच्छाएं, महिमामय इच्छाएं, अद्भुत इच्छाएं। देखिए इच्छा, ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी थी, मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मैं खुद पर संदेह कर रहा था कि क्या मेरा दिमाग सही है या नहीं, क्या मैं ऐसी कुछ इच्छा रख सकता हूं। यीशु के साथ का जो हस्तक्षेप था, यीशु के साथ की जो संगति है, एक सच्चे विश्वासी होने का मतलब है कि आप तो निश्चय भर जाते हैं उसके दिल की इच्छाओं के साथ, क्योंकि ये यहां पर कहता है परमेश्वर है जो आप में काम करता है और वह आपको इच्छा देता और अपनी सुइच्छा के अनुसार वो इसे करवाता है। जो कुछ वो आपके द्वारा पूरा करना चाहता है, उसकी इच्छा वो आपके अंदर इसे रखता है। और मैं आपको ये बताऊं, जब आप ऐसी इच्छा रखते हैं जिसे आसानी से पा सकती हैं, जो आसानी से मिल जाती है, तो ये ऐसी इच्छा है जो आपको आपके दादाजी से मिली है, परमेश्वर से नहीं। आपने इसे पाया अपनी पृष्ठभूमि, अपनी परंपरा, अपने परिवार या इन सारी परिस्थितियों से। आपने खुद को सीमा दी और आपने इस तरह से कहा कि हाँ, मैं ऐसे कर सकता हूं क्योंकि मेरे दादाजी ऐसे थे, मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरे चाचा ऐसे हैं और वो ऐसे हैं, तो मैं ऐसे हो जाऊंगा। लेकिन जब आपकी इच्छाएं इससे परे चली जाती है, तो देखते जाएं, क्योंकि इस समय ये आपके परदादा नहीं, लेकिन ये परमेश्वर, महान परमेश्वर है। और जो इच्छाएं परमेश्वर देता है, वो परमेश्वर के आकार की इच्छाएं होती हैं, वो परमेश्वर के आकार की होती है, आपके आकार की नहीं। परमेश्वर की इच्छाओं को आप ऐसे नीचा ना दिखाएं, परमेश्वर आपको देता है परमेश्वर के आकार की इच्छाएं। और मेरे साथ यही तो हुआ, ये वो बदलाव है जो मैंने यीशु मसीह में अपने जीवन में अनुभव किया है। उसने मुझे वो इच्छाएं दी जो इच्छाएं पहले कभी मुझमें नहीं थी। मैं कामना करने लगा, इच्छा रखने लगा, मैं उसे चाहता था, वो चीजें अपने जीवन में, कुछ चीजों को हासिल करना चाहता था जिससे पाने के लिए मैंने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा कि यह मेरे लिए संभव है। और मैं जानता हूं, मनुष्यक रूप में कहे तो ये मेरे लिए असंभव है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम इसे करो, मैंने तुम्हें इसके लिए चुना है, तो क्या करे। मैंने कहा ठीक है, अगर तू इसमें है तो मैं निश्चय इसे करूंगा। देखिए, यदि आपकी इच्छाएं बहुत ही छोटी हैं और आप कहें कि हां मैं ये कर लूंगा क्योंकि मैंने इसके लिए पढ़ाई की है, तो वो आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आप ये कहें मेरे प्रभु, क्या परमेश्वर मेरे लिए यही चाहता है, ये तो मुझसे बहुत बढ़कर है, तो ये परमेश्वर की इच्छा है। यह आपको परमेश्वर के पास लेकर आएगा कि उसकी मदद मांगे, ये आपको प्रार्थना में लेकर आएगा, ये आपको लेकर आएगा कि आप सच में परमेश्वर के पास जाए, खुद को नम्र करे और उससे आप मदद मांगे। और जब आप परमेश्वर के पास से बाहर आते हैं, तो ये कहते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह यीशु के द्वारा जो मुझे बल देता है। ये परमेश्वर की इच्छाएं हैं, मैं इस पर विश्वास करता हूं। जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरी अगुवाई क्या है, मैं आपको बताऊं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं तो केवल एक साधारण सा व्यक्ति था, लेकिन जब मैंने उद्धार पाया तो पवित्र आत्मा ने मुझे लिया और मुझमें नई इच्छाएं रखी, और उन नई इच्छाओं ने मेरी मंजिल को ही पूरी तरह से बदल दिया, और मेरे द्वारा दूसरों की मंजिल भी उसने बदल दी, और हजारों लोगों की मंजिल बदल गई इसके परिणाम में। तो परमेश्वर की अगुवाई में चलने का मतलब ये नहीं कि आपने सपने देखे या दर्शन देखे, इन सकरी बातों को न सोचे, ये कुछ ही लोगों के साथ केवल कुछ बार होता है। मैं ये कह रहा हूं जो होता है हर विश्वासी, प्रभु की हर संतान के साथ में हमेशा। आमेन। आप फर्क को देखिए, ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। 8, वो हमारी अगुवाई करता है हमें सामर्थ्य देने से,
उस पर हमें सामर्थ देता है कि हम पाप में बातों पर जय पाए जो शरीर में आती हैं। अभी जो समय बाकी है मैं इस पर गौर करना चाहता हूं। ये बड़ा मुद्दा है, ठीक है, मैं इसे ऐसे कहकर आगे नहीं बढ़ सकता हूं। वो हमारी अगुवाई करता है हमें सामर्थ देने के द्वारा कि हम विरोध करें और जय पाए उन पापमय विचारधाराओं पर जो बढ़ती हैं हमारे ही शरीर से या हमारे शरीर के द्वारा। जानते हैं पापमय बातें होती हैं विश्वासियों में, वो शरीर के द्वारा आती हैं। मैंने शरीर के बारे में कहा, ये तो विश्वासी में पाप का स्रोत है, क्योंकि शरीर देह है जिसे पाप की देह कहा गया, क्योंकि इसका कुछ भी नहीं हुआ है और आत्मा तो नई सृष्टि हो गई है और प्राण प्रतिदिन वचन के द्वारा नया होते जाता है, लेकिन शरीर तो वही है। ये वही शरीर है जो पतन पाई हुई दशा में है, इसमें पापमय बातें और ये सब है, ये कई बार पाप में लेकर जाता है और ये पाप का कारण होता है। शरीर की स्वाभाविक जरूरतें, शरीर की इच्छाएं कई बार ये उठती हैं और आपको बताती है कि खैर ये तो ये सामान्य है, इसे कर सकते हो, ये सामान्य शारीरिक जरूरत है, इसे पूरा करो जैसे भी चाहो, इसे सही बताते हैं। जैसे कि हमारे देश में बहुत से लोग कहते हैं पुरुष यानी ये ऐसा ही होता है। हाँ, मैंने कई बार सुना जो पुरुष है, पुरुष जो है वो ऐसे ही होता है। मैंने कहा ये इसका मतलब क्या है, वो ऐसे ही होगा, खिलवाड़ करते रहेगा, पुरुष तो ऐसा ही होता है। मैंने कहा ये बाइबल में कहां पर है, क्योंकि वो लोग विश्वासी थे। कहा पुरुष तो ऐसा ही होता है लेकिन स्त्री को एडजस्ट करना है। मैंने कहा बाइबल से दिखाइए, पुरुष खिलवाड़ करते रहेगा और स्त्री को एडजस्ट करते रहना पड़ेगा। ये संसार की विचारधारा है, हमने इसे लिया है, इस पर विश्वास किया और इसके बारे में कहते हैं पुरुष ऐसे ही होगा। नहीं, बाइबल के अनुसार पुरुष तो यीशु मसीह के जैसे होगा, वो मनुष्य है। हाँ, हमारा लक्ष्य है कि हम यीशु जैसे होते जाए और परमेश्वर का लक्ष्य है कि वो हमें पूरी तरह से बदल दे उस व्यक्ति जैसे, यीशु मसीह के जैसे, जिसे हम शरीर में देखते हैं मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना में। हमें ऐसा पुरुष होना चाहिए, ये लोग जो कहते हैं उसके जैसा नहीं, लेकिन वो ये कहते हैं पुरुष तो ऐसा ही होता है। यह तक कि विश्वासी लोग जानते हैं, ज्यादा आत्मिक लोग कहते हैं खैर ये तो शरीर की कमजोरी है भाई, ये शरीर की कमजोरी है, सब में कुछ न कुछ कमजोरी है, हम विश्वासियों में शरीर की कमजोरी है। इसका मतलब क्या बस हमें इसी में जीना होगा? नहीं, बाइबल ये नहीं कहती है। बाइबल कहती है कि हम प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। किस तरह से? एक तरह से अगुवाई करता है, अगुवाई करता है कि पाप से दूर ले जाए, हमें पाप पर विजय में लेकर जाए और हमें पाप में बातों से दूर करे जो हमारे शरीर में, हमारे भीतर में बढ़ती जाती हैं। ठीक है, चलिए मैं पढ़ता हूं गलातियों से इस वचन को, गलातियों अध्याय 5 वचन 16। पर मैं कहता हूं, गलातियों 5:16, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। देखिए वो विश्वासियों से कहता है तुम शरीर की अभिलाषा पूरी न करो। इस तरह से जी सकते हैं जहां आप शरीर की अभिलाषा पूरी न करें? ये कहना नहीं कि भाई ये तो शरीर है, इसे चाहिए तो मैं देता हूं। नहीं, ये बाइबल से नहीं है। ये कहता है तुम आत्मा में चलो तो तुम शरीर की अभिलाषाओं को पूरी नहीं करोगे। फिर वचन 17 कहता है क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है। ठीक है, शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करती है और ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध में होते हैं, इसलिए आप जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं। ये क्या कहता है? विश्वासी के जीवन में दो शक्तियां काम करती हैं। अगर आप मतभेद देखते हैं, अगर आप पाते हैं कि आप पाप की मनोदशा से परेशान हैं, चलिए मैं आपको ये समझाकर बताता हूं दो शक्तियां काम कर रही हैं। एक जिसे हम शरीर कहते हैं, शरीर से पाप में विचारधारा आना चाहती है, वो आपको खींचना चाहती हैं, वो खींचती हैं एक तरफ, और फिर आपके अंदर में पवित्र आत्मा है, वो आपको दूसरी ओर खींचता है। हाँ, यानी दो चीजें खींचती है, एक तरफ शरीर खींच रहा है, ये आत्मा के विरुद्ध में अभिलाषा करता है, और दूसरी ओर आत्मा खींच रही है और ये शरीर के विरुद्ध में अभिलाषा करता है। अभिलाषा शब्द बहुत ही बड़ा है। देखिए, अभिलाषा का मतलब है ये किसी बात की इच्छा रखना बहुत ही मजबूती से, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं है, बहुत बढ़कर
इच्छा रखते हैं, अभिलाषा का यही अर्थ है। यानी शरीर तो बहुत इच्छा रखता है कि आपको किसी तरह की गड़बड़ी में लेकर आए, पाप करने लगाए, और इसी तरह से आत्मा भी बहुत ज्यादा बढ़कर इच्छा रखती है, बहुत ज्यादा इच्छा रखती है कि आपको पाप से बाहर रखे और आपको पाप के ऊपर में जयवंत बनाए। आपको क्या लगता है इसमें कौन जीतेगा? हेलो, शरीर खींच रहा है और वो चाहता है कि आपको एक तरफ खींचते जाए और आपको पाप में गिरा दे। आत्मा खींच रहा है और वो चाहता है कि आप पाप के ऊपर विजय पाले और सफल हो और खुशी से रहे। तो कौन जीतेगा? देखिए, बहुत से लोग कहेंगे आत्मा, ठीक है, एक तरफ से ये सही है, क्योंकि बड़ा कौन है, शरीर या आत्मा? आत्मा बड़ी है। लेकिन यहां पर एक बात है, यहां एक मुद्दा है। बात तो ये है कि हम इस तरह से बनाए गए हैं, इस तरह से डिजाइन किए गए, और सब कुछ परमेश्वर के तरीके से काम करता है, कि परमेश्वर अपनी आत्मा से हमें बस इसी तरह से ऐसे विजय नहीं देता है। आप नहीं कह सकते कि आत्मा आपके अंदर में है, आप चिंता मत करो, वो विजय देगा। चिंता मत करो, शरीर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जानते हैं शरीर खींच रहा है, लेकिन आत्मा तो बड़ा है, तो आप आत्मा से विजय पाएंगे। आप इस तरह के वाक्य नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप इसमें जुड़े हैं, आप व्यक्ति हैं, परमेश्वर के स्वरूप समानता में बनाए गए, आप निर्णय ले सकते हैं, आपकी इच्छा है और आपके साथ में और कुछ नहीं, लेकिन आप जो चाहते हैं कि हो बस वही आपके साथ में होगा। आप इस परिस्थिति में मुख्य व्यक्ति हैं। तो मैं आपसे कहता हूं, ये ऐसा नहीं कि जो शरीर चाहता है बस वही हो जाएगा, और ये ऐसा भी नहीं कि जो आत्मा चाहता है बस वही हो जाएगा। आप इसमें से जो चाहते हैं बस वही तो हो जाएगा। हेलो, आप किसकी ओर से हैं? अगर आप शरीर की ओर से हैं, यदि शरीर की ओर होकर कहें खैर मैं तो बस मजा करूंगा, मस्ती करूंगा और बाकी सारी बातों को भूल जाओ, ये उपयोगी और ये सारी दूसरी बातें, मैं तो बस मजा करते चले जाऊंगा, हमें ऐसा करने का मौका कब मिलता है, ये जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका है, मैं इसे करूंगा, इस शरीर की बात को इसे छोड़ नहीं सकते हैं, मैं इसमें आगे बढ़ूंगा, तब परमेश्वर की आत्मा भी आपको नहीं रोक पाएगी। उसने आदम को नहीं रोका वो फल खाने से, यहोवा को उस मना किए गए फल के लिए। एक भाई ने कहा कि खैर भाई, अगर परमेश्वर उनके हाथों से बस ऐसे निकाल देता। बहुत सरल है, परमेश्वर ने यह क्यों नहीं किया? मैंने कहा उसने ऐसा क्यों नहीं किया बताइए, क्योंकि एक बड़ा सिद्धांत है भाई मनुष्य के बारे में, और वो कैसे बनाया गया है परमेश्वर के स्वरूप और समानता में। क्योंकि हम इस तरह से बनाए गए हैं कि परमेश्वर हमारा आदर करता है, क्योंकि उसने हमें बनाया है, वो हमें जानता है और वो कभी उल्लंघन नहीं करता है। जो हम करना चाहते हैं हम उसके लिए पूरी तरह से आजाद हैं। तो निश्चय ही बस वही होगा जो आप करना चाहते हैं। जो परमेश्वर चाहता है वो नहीं, या जो शैतान चाहता है वो नहीं। ये नहीं कि जो शरीर चाहता है या परमेश्वर चाहता है, तो आप क्या चाहते हैं वही तो होगा। यानी मैं कुंजी हूं, शरीर एक दिशा में खींचता है और आत्मा दूसरी दिशा में खींचती है। मैं कौन सी दिशा में जाऊंगा? मैं वहां पर खड़े रहकर कहूंगा हाँ शरीर खींच रहा है, अच्छा दिखाई देता है, मुझे उस दिशा में जाना पसंद है, लेकिन मैं परमेश्वर की संतान हूं, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, उसने मुझे बहुत आशीष दी, मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं इस परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ नहीं करूंगा जो मुझसे इतना प्रेम करता है, तो मैं परमेश्वर के साथ डट कर खड़े रहूंगा और इन बातों का इनकार करूंगा, इनका सामना करूंगा। जिस पल मैं परमेश्वर के पास में आता हूं, तो परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के साथ में खड़े रहता हूं। मैं आपको बताऊं, चाहे वो परीक्षा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो और शरीर कितने भी जोर से खींचे, लेकिन वो पवित्र आत्मा के खिंचाव से ज्यादा नहीं है। मैं विजय पाऊंगा। एक बार अगर मैं डट के खड़े रहूं, तो देखिए यही कुंजी है। एक बार जब मैं डट के खड़े हो जाता हूं, तो बस यही है, पवित्र आत्मा इसे थाम लेता है, मेरे साथ खड़े रहता है, मेरे साथ थाम लेता है और देखता है कि निश्चय ही मैं उस युद्ध में जीतते जाऊं। एक जगह पर बहुत सुंदर तरीके से बताया है, याकूब अध्याय 4 निकालिए और वचन 5। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है वो ऐसी लालसा करता है। वो कहता है, तुम सोचते हो कि वचन तो व्यर्थ में ही कहता है। क्या कहता?
ये कहता कि आत्मा, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में वास करता है, क्या वो ऐसी लालसा करता है? देखिए ये अनुवाद काफी नहीं होगा, तो आप इसके अर्थ को नहीं समझते हैं कि लालसा करता है। क्या पवित्र आत्मा हमें लालसा देता है या लालसा करवाना चाहता है, इसका क्या अर्थ है? अगर आप एक और अनुवाद देखते हैं, यह अच्छे से कहता है, जो आत्मा परमेश्वर ने बनाया कि हम में वो वास करे, वो हम में वास करता है और जलन रखने वाली इच्छा रखता है। अब ये बेहतर है, वो हमारे अंदर जलन रखने वाली अभिलाषा रखता है। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं परमेश्वर हमारे बारे में कैसे जलन रखता है, क्या आपने पढ़ा? कुछ लोग कहेंगे, ओ परमेश्वर जलन रखता है, आपके विरुद्ध में नहीं लेकिन वो आपके लिए जलन रखता है। ये दोनों अलग बातें हैं। देखिए याकूब अध्याय 4:5 ऐसे है, हमें विजय देने के लिए वो ज्यादा झुकाव रखता है, पवित्र आत्मा इतना झुकाव रखता है कि हमें विजय दे, यही इसका अर्थ है। वो देखना चाहता है कि हम इससे पार हो जाएं इन परीक्षाओं में, और देखता है ये पापमय झुकाव और ये सारी विचारधाराएं, और उसमें हमें विजय देता है। वो हमें विजय देने के लिए झुकाव रखता है, वो तो ज्यादा इच्छा रखता है कि हमें विजय दे, हम जो विजय चाहते हैं उससे भी बढ़कर इसके ऊपर, वैसे ही कहता है। तो फिर ये क्या है झुकाव रखता है, इसका क्या मतलब होता है? ये झुकाव जो पवित्र आत्मा हमारे लिए रखता कि हमें विजय दे, ये किस बारे में है? ये जैसे कि माता या पिता, हमारे माता पिता बच्चे के लिए मनोदशा रखते हैं, बच्चे को देखते हैं और वो अपने बच्चे को इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इस तरह की बातें। वो अपने बच्चों के लिए सपना रखते हैं, वो काम पर जाते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा बचाते हैं, वो सब कुछ करते हैं। हमारे देश में हम इसमें बहुत ही माहिर हैं, हम अपने सारे स्रोत और सारी शक्ति केवल इसी बात में लगा देते हैं कि हम अपने बच्चे को बहुत ही उत्तम बनाते चले जाएं, हम उनके लिए सबसे अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, बच्चे इसे नहीं समझते हैं, कहते हैं ये क्या है, डैडी तो हमेशा मुझे पढ़ाई के लिए कहते हैं, चाहते हैं कि मैं कॉलेज में जाऊं, मुझे जाना पड़ता है इस ट्यूशन में, उस ट्यूशन में मुझे ये और वो एग्जाम लिखनी पड़ती है। जानते हैं मैं ये सब नहीं करना चाहता, मैं तो बस आराम से जीना चाहता हूं, लेकिन हम उन्हें आगे धकेलते हैं क्योंकि इस तरह से बस आराम से जीने से वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हम उन्हें धक्का देते रहते हैं और बच्चे को लगता है कि हम उनके दुश्मन हैं, उन्हें आगे भेजते हैं। लेकिन बात तो यह है कि माता पिता ये तो जलन रखते हैं, वो तो अपने बच्चों के लिए इस तरह की जलन रखते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि उनके बच्चे बेहतर हो जाएं और बहुत अच्छा कर पाएं, कि उन पर घमंड करें और आगे जाकर वो उनके लिए अच्छा जीवन बना सके और कल को वो आपसे भी ज्यादा सफल हो जाएं। ये हर एक सामान्य माता पिता का लक्ष्य है। ठीक है, इसी तरह से परमेश्वर हमारे लिए पूरी तरह जलन से भरा हुआ है, वो चाहता है, वो हमारे इस पापमय दशा में भी हमारी इतनी मदद करना चाहता है, वो निश्चित करना चाहता है कि हम युद्ध में जीतें, वो निश्चित करना चाहता है कि हमें पार लेकर जाएं, वो हमें पार लेकर जाना चाहता है, और वो चाहता है, वो ये निश्चित करना चाहता है कि हम किसी रूप में न हारे, वो इसके बारे में बहुत निश्चित है, हमसे बढ़कर वो इसके बारे में निश्चित है। अब हमें बस इतना ही करना, ये जानना है कि वो वहां पर है और वो इसे चाहता है, वो इसे हमारे लिए करेगा, हमारी मदद करेगा, और उस तक पहुंचना है, वो हमारी ओर पहुंच रहा है, वो हमारी मदद करेगा, ये इसी के बारे में है। पास्टर सैम चलुद्रे के द्वारा चलाए जा रहे फुल गॉस्पल बाइबल कॉलेज में सेवकाई के प्रशिक्षण के लिए एडमिशन्स अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। यहाँ छात्रों की आत्मिक उन्नति के लिए पुस्तकालय में 3,500 से ज्यादा पुस्तकें आपकी उन्नति के लिए उपलब्ध हैं। कक्षाएं अंग्रेजी में लिए जाएंगे और वैकल्पिक अनुवाद हिंदी, तेलुगु और तमिल में हेडफोन के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध होंगे। स्थानीय छात्र डे स्कॉलर के रूप में यहां पढ़ाई कर सकते हैं और भारत के विभिन्न राज्यों से आने वाले छात्रों और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सिर्फ पुरुषों के लिए हॉस्टल की सुविधा यहां मुफ्त में उपलब्ध है। कक्षाएं 13 जून 2016 से प्रारंभ होने वाले हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए तुरंत हमें संपर्क करें। हमारा पता है फुल गॉस्पल बाइबल कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 494, चेन्नई 7। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबरों पर हमें संपर्क करें। Soon he's coming back to welcome me far beyond the starry sky. I shall wing my flight.
keeps me singing as I go. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, but the joy o'er my soul like the sea billows roar. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, floods of joy on my soul like the sea billows roar. Since Jesus came into my heart, everybody, since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, floods of joy o'er my soul. Wonderful, 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 isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful? Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Years of birth, it's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful?